बहुत तेजी से फर्स्ट इंडिया आपको परिणाम बता रहा है कि किस वार्ड के अंदर कौन विजयी है और कितने मतों से विजयी। वैसे अगर ओवरऑल देखा जाए तो अभी तक कांग्रेस बीजेपी पर हावी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। लगातार हर वार्ड के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि कहां किस वार्ड के अंदर कौन सा प्रत्याशी जीता है। फर्स्ट इंडिया के साथ लगातार आप बने रहिए, आप अपडेट रहेंगे और आपको पता चलेगा कि कहां क्या कुछ चल रहा है। मेरे सहयोगी नरेश मेरे साथ जुड़ चुके। नरेश, कहां पर आप मौजूद और क्या कुछ जानकारी आपके पास? विजेंद्र, बिल्कुल, देखिए हम मौजूद है सिविल लाइंस में और सिविल लाइंस में मंत्री प्रताप सिंह खाचरेवास के आवास पर, जहां पे कांग्रेस के परिणाम के बाद यहां के कार्यकर्ता उत्साहित हैं, मंत्री प्रताप सिंह खाचरेवास उत्साहित हैं क्योंकि वो निवर्तमान जिला अध्यक्ष भी हैं। ऐसे में जहां तक जयपुर शहर की बात करें, चाहे हेरिटेज की हो या ग्रेटर की बात करें, कहीं ना कहीं उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी कांग्रेस के प्रत्याशियों को जिताने की। हालांकि हर विधायक की भी जिम्मेदारी थी, लेकिन जिस तरह से सिविल लाइंस के परिणाम लगातार सामने आ रहे हैं और जो पार्षद जीते हैं सिविल लाइन से कांग्रेस के टिकट पे, वो लगातार यहाँ मंत्री प्रताप सिंह खाचरेवास के निवास पे जुट रहे हैं, उनके समर्थक यहाँ पे आ रहे हैं, नारेबाजी की जा रही है। हम आपको ये यहाँ का जो दृश्य है वो भी दिखाते हैं। साथी सोहन मीणा जो है वो लगातार आप तक ये दृश्य पहुँचाएंगे। आप देख सकते हो कि बड़ी संख्या में जो उनके प्रशंसक है, उनके जो कार्यकर्ता है, वो यहाँ पे आए हैं और कुछ देर में अब देखिए प्रताप सिंह खाचरेवास जो है वो यहाँ पे उनके जो कार्यकर्ता है, उनके समर्थक है, उनके जो जीते हुए प्रत्याशी है, उनके जो जीता है नेता है, वो यहाँ पे आए हैं उनको बधाई देने के लिए, उनको माला पहना। प्रताप जी, अब जश्न का माहौल शुरू हो चुका है, आपके जो उम्मीदवार थे वो लगातार जीतते जा रहे हैं। देखिए, ये जीत मुझे लग रही थी पहले से और मैंने पहले भी कहा था कि सब जगह जन अदालत लगाएंगे। अब हमारा मेयर भी होगा, डिप्टी मेयर भी होगा और हम सब मिलकर जयपुर को मजबूती देना और काम करना, ये हम सबकी जिम्मेदारी। लोगों ने वोट दिया है तो वोट का सम्मान करना हमारी ड्यूटी है, हमारी जिम्मेदारी है। घमंड नहीं होना चाहिए, काम होना चाहिए, लोगों से के बीच में छुपकर काम करना, लोगों की सुनना और लोगों के गुस्से को भी स्वीकार करना और फिर काम करना ही हमारी जिम्मेदारी। बिल्कुल जिम्मेदारी है। और देखिए इनके जो जीते हुए पार्षद है वो लगातार इनसे मिल रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं। प्रताप जी ने बताया कि दोबारा जीती हैं। सबसे पहले तो आपको बधाई, ये जो जीत है प्रताप जी ने खूब मेहनत की है, आपने विश्वास जताया है, तो क्या कहना आपका? बिल्कुल भाई साहब खुद वर्किंग है और हम लोग भी वर्किंग है, इसलिए हमें वार्ड में कभी दिक्कत नहीं आती क्योंकि हम खुद मेहनत करते हैं और भाई साहब भी काम करा देते हैं। हमारा वार्ड है इसलिए उन्होंने हमारे ऊपर वापस विश्वास किया क्योंकि उनको पता है कि प्रताप जी काम करेंगे और हम लोग भी काम करेंगे। जनता ने हमें पूरा सपोर्ट दिया, एक तरफा दिया। जो आप जीत के आए, प्रताप जी ने तुरंत आपके कहा वार्ड में जाइए कार्यकर्ताओं के बीच? बिल्कुल, क्योंकि कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं। भाई साहब जानते हैं कार्यकर्ताओं को कितना उत्साह होता है, बहुत, इसीलिए बोला क्योंकि भाई साहब जानते हैं वो जब जीत के आते हैं कार्यकर्ता इंतजार लाइन में लगे रहते हैं हमारे साथ। बिल्कुल, देखिए और भी जीत के आए उनसे बात करते हैं। आपको सबसे पहले तो बधाई, और जो आपके नेता ने आप पे विश्वास जताया है उस विश्वास की भी जीत है, तो अब आपके नेता को काम करके भी आपको दिखाना है। बिल्कुल, ये मेरे बड़े भाई हैं, मैंने जब से होश संभाला है राजनीति जी ने मेरे बड़े भाई की तरह रहे हैं। एक कार्यकर्ता को टिकट दिया है इन्होंने और कार्यकर्ता को टिकट दिया तो वार्ड भैयाड़ की जनता, मेरे दोस्तों और मेरे कार्यकर्ताओं ने एक ऐतिहासिक जीत दिलाई है। बात ये मायने नहीं रखती कि आप जो वादे करते हैं उनको अमली रूप जामा पहनाए। हमने विधानसभा में जो वादे किए थे उनको निरंतर रूप से हम कार्य कर रहे हैं, उसी का परिणाम है कि मंत्री जी ने जो वादे किए थे 2 साल में, कि वो जो वादे किए थे उनको हम जनता पे खड़े उतरे, उसका मिसाल कि बड़े भाई प्रताप सिंह जी के कार्य को देखते हुए जनता ने हमको एक ऐतिहासिक जीत दी। बिल्कुल, तो कहना कि मंत्री जी ने जो कार्य किए हैं उसके आधार पे जनता ने इनको जीता है, इनको वोट दिए हैं। 1200 वोटों से जीते हैं, 1600 वोटों से जीती है, ये 1250 वोटों से जीते हैं, सबसे ज्यादा वोटों से जीते हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मतलब ये अंतर अच्छा है। एक बार तो मैं इन दोनों के चुनाव में डर गया था, तो मैं खुद इनके साथ घूम रहा था, बहुत ज्यादा परेशान था मैं, लेकिन जब मैं घूमा मुझे लगा वोट आ रहा है, फिर मैं निश्चिंत था कि जीतेंगे दोनों। लेकिन जितने भी विधायक प्रताप जी जिन्होंने काम किया है, सबसे ज्यादा दौड़ आप ही ने लगाई है? नहीं नहीं, सबसे ज्यादा नहीं, सबकी ड्यूटी है। मेरी थोड़ा एक नेचर है क्या, मैं थोड़ा डरा हुआ रहता हूँ चुनाव में, चुनाव में डरता हूँ तो ज्यादा भागता हूँ, इलेक्शन से ज्यादा डरता नहीं, वो तो मेहनत तो इसलिए डरता है, डर लगता है ना, मैं चुनाव से डरता हूँ, मैं साफ बात करता हूँ, इसलिए बहुत ज्यादा भागता हूँ। बिल्कुल, देखिए ये बिल्कुल सच्ची बात इन्होंने कही है कि चुनाव से डर लगता है क्योंकि जनता कुछ भी फैसला कर सकती है और ऐसे में इसी डर के कारण वो जनता के बीच जाते हैं। तो ये जो उत्सव है एक यहाँ देखा जा सकता है। ठीक है नरेश, वापस मैं आपके पास आऊंगा। मेरे